किया गया। इसमें जैसे शुरुआत के दौर में मैंने यही बताया कि राजपूतों की जो कुलीय परंपरा थी, कुलीय परंपरा में जो राजे को वो शासन की सामूहिक धरोहर मानते थे, तो सामूहिक धरोहर मानते थे तो सामंत शासक के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे थे, ना कि अधीनस्थ के रूप में कार्य कर रहे थे। इस प्रकार की ये व्यवस्था स्थापित की गई थी। राज्य के जो प्रमुख सामंत थे, सामंतों की अलग अलग श्रेणियां बांटी गई है। बीकानेर राज्य की स्थापना जैसे राव बीका के द्वारा की गई थी, तो बीका के जो वंशज थे उनको मूल श्रेणी में रखा गया है, उनके चाचा भाई के जो वंशज थे वो द्वितीय श्रेणी के, और तीसरी श्रेणी में जो राजपूत हैं वो राठौड़ राजपूतों के अलावा जो अन्य जाति के पाटिल, चौहान, सांकला थे उनको शामिल किया गया है। तो राजपूतों की जो विभिन्न सामंत, विभिन्न खांपे थी उनका वर्णन, उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। तुलनात्मक अध्ययन के अंदर मेरे तीन चार आधार रखे हैं। पहला ये रखा है कि जो पटायत गाँव थे उनकी स्थिति, उन खांपों की, उन पर्टिकुलर खांप को कितने गांव दिए गए थे, उनकी प्रतिशत वृद्धि कमी कितनी रही एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड के मैंने चार आधार लिए हैं, जैसे 1625 से लेके 1818 तक का मैंने सारणी के माध्यम से 1625, उसके बाद 1657 का, 1668 और 1818 का आधार लिया। आधार लिए जाने का भी कारण था कि जो उपलब्ध भैया थे उन भैयों में इन चार वर्षों के जो तुलनात्मक आंकड़े मुझे प्राप्त हुए उसको मैंने समाहित करने का प्रयास किया है। तो इन खांपों के किनके वंशज थे, कर लियो और यहाँ अंदर व्यूपॉइंट में अगले स्क्रीन में थोड़ा यहाँ कर लियो सही दिन वो तो ये ने लगाई तो नहीं थी। अपने को शासक के सहयोगी के रूप में मानते थे। ये व्यवस्था आगे शासक और सामंत के मध्य एक तरह का तनाव पैदा करने लगी थी। तो आगे के शासकों ने सूरज सिंह, डूंगर सिंह के समय उन्होंने सामंतों को नियंत्रित करने के लिए पट्टा प्रणाली, ये एक तरह से सामंत विरोधी व्यवस्था कह सकते हैं। मतलब सामंतों का जो कुलीय परंपरा का सिद्धांत था वो समाप्त हो गया था, उसके आधार पर उनको चाकरी पट्टा दिए जाने का वो 1625 का मिलता है। यहाँ से इसको मैंने किया है। पट्टे में जो पट्टे दिए जाते थे शासक को, अलग अलग प्रकार के पट्टे बनाए, आसामीदार चाकरी पट्टे और बेतरफ किए जाने वाले पट्टे, पूर्व से चली आ रही थी 1818 से उत्तर तक वो कंटिन्यूस रही, तो वो उस पद्धति पर आधारित। सेना की प्रकृति के अंतर्गत मैंने सैन्य व्यवस्था का स्वरूप दिखाने का प्रयास किया, जो सेना डिवाइडेशन किया गया। एक मिनट जाओ, क्योंकि आई थिंक मैम वापस जुड़ जाए, वो अपना मैम का डॉट हट गया, सिर्फ लेटर जो मैम एक सेकंड डिस्कनेक्ट हो गए। दिखाई नहीं रहा आप कर अपना आप ही हो जाएं। हाँ ये नहीं है अन्य रहने के लिए दिखने सब बैठे थे का गाइड भी मैंने अलग है आधुनिकीकरण के दौर में जो टेक्नोलॉजी को एडवांस किया गया, नए प्रकार के शस्त्र जोड़े गए। ये सर है ना कंटिन्यूस को तृतीय चतुर्थ अध्याय में सैन्य बल बजट अस्त्र शस्त्रों का विवरण दिया मैंने। उसके बाद पांचवे में सेना युद्ध क्षेत्र में प्रस्थान के समय का तुलनात्मक अध्ययन किया है। जो वहां पर देखो परिवर्तन किया गया था, ऊंट सेना थी क्योंकि रेगिस्तान में ऊंट का अत्यधिक महत्व था, और राजपूत रियासतों में बीकानेरी ऐसी रियासत थी जहाँ ऊंट सेना संगठित रूप से अपना विशाल स्वरूप स्थापित कर पाई, और इवन दैट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, चीन का जो बॉक्सर विद्रोह हुआ उसमें गंगा रिसाला सेना भेजी गई महाराजा गंगा सिंह के द्वारा सोमालिया अभियान में। तो गंगा रिसाला एक संगठित
ऊंट सेना थी और उस सेना के लिए विभिन्न स्तर पर गंगा सिंह जी ने प्रयास किए, जैसे ऊंटों के प्रशिक्षण की अलग से व्यवस्था, ऊंट भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल था इसलिए उसका सर्वोत्तम चयन यहाँ किया गया। वो कितनी दूरी तय कर सकता था, जैसे दिन के समय उसकी 60 से 70 मील की दूरी तय होगी, रात के समय कितनी है, प्रशिक्षण उसका, उसकी शारीरिक विशेषताओं के आधार पर उसके खाने पीने की व्यवस्था। तो ये गंगा मिसाल एक बड़े स्तर पर स्थापित थी जिसने बीकानेर की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिलवाई थी। जो महाराजा गंगा सिंह का एक बीकानेर रियासत के योगदान विकास में अतुलनीय योगदान माना जाता है। और मेरी थीसिस का भी एक बेहतरीन बिंदु गंगा मिसाला में कहना चाहूँगी। गंगा नेक्स्ट अध्याय या लास्ट अध्याय में मैंने राज्य के सामरिक महत्व के किले और किलेबंदी इनको दर्शाने का प्रयास किया है। चूँकि परंपरागत युद्ध पद्धति में किलों की अपनी महत्ता थी, किले आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरीकों से यूज में लिए जा रहे थे, तो इन किलों में सर्वप्रथम बीकानेर का किला जूनागढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो विक्रम संवत 1645 ईस्वी में रायसिंह के समय निर्मित हुआ। इसके बाद अन्य दुर्गों को दर्शाने का बढ़ने दुर्ग, चोरू दुर्ग, महाजन दुर्ग, मतलब बीकानेर रियासत के अधीन आने वाले दुर्गों को दर्शाने का प्रयास किया गया। यहाँ नवीन जो विषय मैंने शामिल किया यहाँ सूरतगढ़ दुर्ग के, जो सूरतगढ़ की स्थापना से संबंधित और दुर्ग निर्माण से संबंधित राजस्थान अध्ययन में जो विषय चलते हैं उनको थोड़ा विस्तृत करने का प्रयास किया, या फिर जो गलत तथ्य दिए जा रहे हैं उनको यहाँ मैंने दिखाया। जैसे पावलेट सूरतगढ़ स्थापना के तिथि 1805 बताते हैं, दयादास भी ख्याल दर्पण में 1795-1797 की है, जिसमें नोहर और अनुकृत के साथ सूरतगढ़ का उल्लेख मिलता है, मतलब 1793 में सूरतगढ़ में थाना स्थापित होने का उल्लेख है। इसका प्रमाण है कि 1805 से पूर्व सूरतगढ़ का अस्तित्व था। दूसरा मैंने यहाँ जो प्रमाण दिया वो सहावा भाई सूरतगढ़ का दिया है, 1787 से 1797 का कार्यकाल। इसमें 1787 के दौरान सूरतगढ़ मंडी में राजस्व लेखी का उल्लेख मिलता है, तो इसके आधार पर संभवतः सूरत सिंह के द्वारा सूरतगढ़ कस्बे की स्थापना 1787 में की गई। तो उक्त विद्वान जो तिथि देते हैं उन तिथियों को मैंने उपलब्ध जो बहिया थी वो मेरे से ज्ञान में आई, उनके आधार पर इनको 1787 तिथि को प्रतिस्थापित करना चाहा है। तो ये मेरी अध्याय योजना उपलब्ध जो शोध विषय का सारांश था मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। धन्यवाद। Thank you so much, Parvati. That was a very good presentation. And now I request Aparna ma'am to be Prashna Krishna Chai. Over to you, ma'am. Congratulations, Parvati, for your research and wonderful things that you have done. But आपसे कुछ थोड़े से मेरी queries हैं, या कह लीजिए मैं अपने जिज्ञासा के लिए कुछ चीजें पूछना चाहूंगी। आप पहले मुझे ये बताइए आपने कौन कौन सी लाइब्रेरी विजिट करी? मैडम मैंने मुख्य रूप से तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर का विजिट किया है, उसके अलावा महाराष्ट्र संग्रहालय बीकानेर को यूज किया है, बीकानेर के मेन सोर्सेज मैंने यूज किए। वो तो आपके उसमें भी मैंने देखा था कि आपका आर्काइवल वर्क सारा बीकानेर से ही दिख रहा था, आपने राज्य नेशनल आर्काइव्स या दिल्ली में कहीं और किसी लाइब्रेरी को देखने की कोशिश नहीं करी? सोर्सेज अवेलेबल करवाते मैडम, विजिट करने में मैं थोड़ा सहज नहीं थी, जा नहीं पाई, और बीकानेर में मुझे सारे सोर्सेज मेरे किसी से संबंधित विषय से संबंधित अवेलेबल हो रहे थे तो मैंने उसको प्रेफरेंस दिया। हमारा स्टेट आर्काइव्स इज इन बीकानेर, राजस्थान के जो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके टाइम पीरियड के हैं, आई थिंक नेशनल आर्काइव्स में नहीं मिले, लेकिन वो राजस्थान के स्थिति शायद सभी भाषाओं में उनको डालने का प्रयास किया है।
इसके अलावा अंग्रेजी रिपोर्ट्स का भी मैंने यूज लिया, दोनों प्रकार के रिपोर्ट्स मुझे आसानी से उपलब्ध हो गए थे, तो उसका काफी सहयोग था। मैं ये पूछना चाहती थी कि जो ब्रिटिश रिपोर्ट्स है राजस्थान के ऊपर, आपने उनमें से किस किस का उपयोग किया? ब्रिटिश रिपोर्ट्स में जो पॉलिटिकल रिपोर्ट्स थी, एजेंट्स और महाराजा के बीच जो पत्र व्यवहार हुए थे, उन पत्र व्यवहार इकोनॉमिकल पॉलिटिकल रिपोर्ट्स के आधार पे उनका यूज करके मैंने जिसमें किया है। पॉलिटिकल रिपोर्ट का राइटर या कंपाइलर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर था उसका कुछ नाम वगैरह आपको याद है? जैसे गजेटियर राजस्थान गजेटियर वो बीकानेर स्टेट जैसे पाउलेट के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे काफी लिटरेचर अवेलेबल है, तो उसके लिए आपने क्या कौन सी किताब अपने थ्योरी के लिए यूज करी? मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैडम मेन रूप से तो विलियम इरविन के जो आर्मी ऑफ द मुगल स्टेट्स थे जी, वो बेसिकली देखा और सक्सेना की भी आर्मी ऑफ राजपूत स्टेट्स
ओके।